Hi guys, very good evening and welcome to the class. Hope all of you are doing great. Yes, hi. Hello बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया. Yes, आज बेटा हमारा एनिमल किंगडम का फोर्थ सेशन है और आज की क्लास में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे. ओके, वी विल फिनिश दिस चैप्टर ताकि हम अगले चैप्टर में जा सकें. है ना बच्चे, आज की क्लास में हम एकाइनोडर्माइटा से स्टार्ट करके, ठीक है, हेमिकोडेटा, फिर कोडेटा भी पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे. है ना बच्चों? ओके, ठीक है. यार मुझे लग रहा है हमने बीच में कुछ सेशन मिस कर दिया है. एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि हमने L3 नहीं करा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. है ना, कि कर दिया है ना, हमने नहीं करा. मेरे ख्याल से मोलस्का वगैरह नहीं हुआ है, ऑर्थ्रोपोडा, एनलिडा और मोलस्का नहीं हुआ है. ओ माय गॉड, अरे ये तो बहुत दुविधा हो गई. मुझे एकदम से याद आया, अभी मैंने स्टार्ट करने से एकदम से मुझे ध्यान आया, मैं सुबह से देख रहा था इसको. बट एनीवेज, क्या कहते हो, इसको कर ले खत्म आज, इसको कर ले, थर्ड क्लास बाद में कर लेंगे, क्या कहते हो? है बच्चों कि क्या क्या करना है बताओ, पहले थर्ड करना है कि इसके इसको करके फिर बाद में थर्ड कर दें? यस. अरे यार पहले थर्ड. चलो कोई बात नहीं, मैं ये खत्म कर देता हूं, ठीक है, जो आज अभी ये खत्म कर लेते. इससे रिलेटेड नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होगा बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है. आ गया तो पढ़ ही ले यार, ऐसे क्या दिक्कत है इसमें, है ना, इसको पढ़ लेते हैं, इजी रहेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चे. अगला L3 कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है. तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन में हम एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. इस चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, ठीक है. चलो इसका जो पहला पेंडिंग वाला है वो मैं बाद में करा दूंगा. नाउ मेरी बात गाइस, माय नेम इज अमृत राज एंड आई टीच बायोलॉजी. है ना बच्चे, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और आप हमारे वेदांत मैथ्स का चैनल फॉलो कर सकते हो अगर आपको यस बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अब आ जाओ बेटा, पहले देखते हैं हेमिकोडेटा में कौन आता है ना. जब हम हेमिकोडेटा की बात करते हैं बेटा, यहां पे ना अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पे स्टारफिश वगैरह आती है सारी की सारी. कौन आते हैं भाई यहां पे स्टारफिश वाली किंगडम है ये, समझ लो, ठीक है. मतलब किंगडम कह रहा हूं, फाइलम है, ये क्या है, स्टारफिश सारे के सारे यहां पे आते हैं. अरे बेटा, दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस नेम एकाइनोडर्मेटा. मतलब इनके अंदर भाई कैल्शियम के छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ठीक है. बोन्स क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि भाई बोन्स तो बड़े बड़े होते हैं, ये ऑसिकल्स है. ऑसिकल्स मतलब छोटे छोटे बोन्स, ठीक है बच्चे, है ना. इसको इसलिए वो स्पाइनी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है. नाउ दे आर ऑल मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये कैसे है भाई, मरीन है, मरीन मतलब सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, है ना. और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब इनके पास ऑर्गन ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम्स है, ठीक है भाई. द एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर bilaterally symmetrical. बेटा अगर आपको याद होगा मैंने कहा था भाई रेडियल सिमेट्री बस ऊपर वाले, जैसे कि यू नो सीलेंट्रेटा हो गया, है ना, नाइट एरिया बेसिकली, तो उनमें होती है रेडियल सिमेट्री. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो bilaterally symmetrical हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना. बट echinodermata एक ऐसा एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान से देखो, इनके जो अडल्ट है इनमें रेडियल सिमेट्री है, प्लीज समझ लो इस बात को, है ना. एकाइनोडर्मेटा बेटा, इस पे क्वेश्चन बनता है नीट में कि भाई एकाइनोडर्मेटा, इसको तो भाई बाइलेटरल सिमेट्री होना चाहिए था, बट ये भाई साहब रेडियली सिमेट्री है, ठीक है. बट जो इसके लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो लार्वा है भाई एकाइनोडर्मेटा का, इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है. बाकी देख लो भाई, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, इनके तीन जर्मिनल लेयर है,
दे आर सीलोमेट एनिमल्स. सीलोमेट मतलब भाई इनके अंदर बॉडी कैविटी है जो कि मीसोडर्म से लाइंड है. ठीक है भाई, इतना समझ आ गया? इसमें क्या चीज याद करनी है भाई? एकाइनोडर्मेटा जब भी सुनो आपको क्या याद आना चाहिए? स्टारफिश याद आना चाहिए. ठीक है सर, और क्या याद आना चाहिए? एकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है भाई जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बाद भी रेडियल सिमेट्री शो करता है अडल्ट में, बट इसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री है. याद कर लिया बच्चों ये? यस, अर्पिता ने कर लिया, सक्षम ने भी कर लिया. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये सब सीलोमेट है, इनके अंदर सीलोम है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ठीक है, अब देखो एकाइनोडर्मेटा. व्हेन वी सी गाइस, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड. इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, जो एकाइनोडर्मेटा है बेटा, इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट है. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. माउथ इनका वेंट्रल साइड पे. बेटा देखो, वेंट्रल होता है नीचे वाली साइड. ये वेंट्रल साइड, वी, वी फॉर वेंट्रल, डी फॉर डॉर्सल. मतलब ये होता है डी, डी फॉर डॉर्सल, वी फॉर वेंट्रल. ठीक है ना, तो इनका माउथ वेंट्रल साइड पे है, एनस डॉर्सल साइड पे. ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वॉटर वैस्कुलर सिस्टम. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैनाल सिस्टम हमने पोरीफेरा में देखा था, उससे इसको कंफ्यूज मत करो. वॉटर वैस्कुलर सिस्टम मतलब बेटा इसके रगों में से पानी बहता है. ठीक है, अगर आपने मूवीज में देखा होगा स्टारफिश कैसे चलता है, ऐसे फिश कर कैसे जंप करता है, फिश कर कैसे जंप करता है ना, तो ये होता है. तो इसके इसके अंदर ऐसे ट्यूब्स बनी है जिसमें अंदर पानी बहता है और पानी को वो प्रेशर से धक्का देके वो चलता है. ठीक है ना, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी इसकी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. मतलब इसकी रगों में से पानी बहता है जो कि इसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करता है और भाई रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है भाई, अब देख लो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है. भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें. किस तरह की रिप्रोडक्शन है, किस प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना. और जो फर्टिलाइजेशन होता है भाई, इट इज यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज एक्सटर्नली. ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा. इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताया था क्या होता है बताओ बेटा. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है तो कौन बताएगा क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है भाई जिसमें लार्वा बने, है ना बेटा. लार्वा बनता है फिर उसके बाद, और जिसका लार्वा है वो भी फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब वो खूब मस्ती करता है. ठीक है लार्वा, अब आ जाओ बस खत्म फाइलम. एग्जांपल्स याद कर लो, एस्टेरियासिस स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार. बेटा ये एग्जांपल्स याद कर लेना, एग्जाम में आएंगे. ठीक है, मैच द फॉलोइंग की तरीके से आ सकते हैं. आपको आएगा भाई मैच द फॉलोइंग, कर लोगे? हाँ, थोड़ा सा याद करना. बेटा देखो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है. क्या ट्रिक है भाई? सबको लिख के रख लो, सारे के सारे भाई जो भी क्या कहते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उनको लिख के रख लो. हाँ, श्रितिज कह रही है कि सर, श्रितिज कह रहे हैं सर एग्जाम्पल तो मुश्किल है. बेटा देखो, कभी आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो पहली बार, है ना, उसका नाम आपको याद नहीं होता, होता है कि नहीं होता? कभी आप किसी नए क्लास में जाते हो तो आपको उनका याद नहीं होता नाम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नो द एंटायर क्लास का नाम भी जान जाते हो. वो बच्चा कहां से आता है ये भी पता चल जाता है. आपको ये भी पता होता है कि वो लंच में क्या लाएगा. आगे ना, यस सर नो. तो उसी तरह से बेटा इसको भी उसी तरह से देखो. ठीक है, जो एग्जांपल्स अभी नए लग रहे हैं बट धीरे धीरे आप इनको रोज देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे. ओके स्टेफिना, समझ लो, जस्ट मेक अ A4 साइज पेपर. ओके, लुक एट देम फॉर एवरी डे. यार हाउ मच टाइम इट विल टेक? 2 मिनट्स, नॉट ओवन 2 मिनट्स, 1 मिनट एवरी डे. जस्ट लिक इट फॉर 1 मिनट एंड यू विल बी गुड. ओके, नो शॉर्टकट्स बेटा, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. नेक्स्ट, आफ्टर गाइस, आफ्टर एकाइनोडर्मेटा लेट अस गो टू हेमी कोडेटा. नाउ व्हाट इज देयर
यस व्हाट इज हेमी को डेटा. ठीक गाइस, दिस वाज अर्लियर प्लेस्ड अंडर को डेटा. ओके, इट वाज कंसीडर्ड सब फाइलम ऑफ को डेटा, बट नाउ इट हैज बीन पुट अंडर सेपरेट फाइलम. नाउ इट इज सेपरेट phylum under non-coded. Now, earlier we had put it in the coded, and now we are saying, no, it's not coded, it's non-coded. Okay. It consists of small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. They have organ system. Okay. They are triploblastic. Okay. They are three layers, coelomate animals and bilateral symmetry. Obviously, all the animals after Pteroplana are triploblastic. Okay. And after Annelida, all of them are coelomate. So this is coelomate and bilateral symmetry. Okay. Now, guys, very important. Okay. The body is cylindrical. It consists of anterior proboscis, collar and trunk. The entire body, if you see hemichordata, is divided into three parts. Proboscis, collar and this entire region is trunk. Okay. Guys, in the exam, question will come. Example of hemichordata. Bolano. Glosses. Okay, glosses. Wherever you see glosses, it is hemichordata. Okay, it has what? Proboscis, collar and trunk. अब पता है इसको, पता है क्यों हमने कोर्डेटा में रखा था पहले? इसके ना कॉलर में ना नोटोकोर लाइक स्ट्रक्चर दिखता था थोड़ा सा, तो इसलिए पहले हमने इसको कोर्डेटा में रखा था, बट अब ने इसको वापस कर दिया कि भाई नहीं, तेरे पास नकली है, नकली नोटोकॉर्ड है. ठीक है, इसको वापस ले आए हम. अब आ जाओ, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भाई ओपन है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब द ब्लड डज नॉट फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स. ठीक है भाई, है ना. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. रेस्पिरेशन गिल्स से होती है. ठीक है भाई. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड. समझ रहे, प्रोबोसिस ग्लैंड है यहां पे इसके, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. मतलब यहां पर भाई, यहां पर भी लार्वा बनेगा. एग्जाम्पल मैंने बताया था, ग्लॉसेस, बलैनोग्लॉसेस, सैकोग्लॉसेस, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकोडेटा. बेटा याद रख लो, प्रोबोसिस कहां पे होता है? यस, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इट इज फाउंड इन हेमिकोडेटा. एग्जाम्पल बलैनोग्लॉसेस. एक्सक्रीटरी क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड. बहुत, बस ये याद कर लो. एंड हेमिकोडेटा हो गया भाई हमारा, हेमिकोडेटा हमारा हो गया. ठीक है बेटा, स्टेफिना इजी तो है. ग्लॉसेस, बलेनोग्लॉसेस, दिस ग्लॉसेस, हेमिकोडेटा. ओके, इजी. टेल मी गाइस, यस भाई, जिंदगी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? राशि ने तो चलो बता दिया. ओके, इजी है बट हार्ड है. भाई तुम क्या चाहते हो जीवन में? सब आसान. मेरा देखो सीरी भी उत्सुक है कि भाई बताओ तुम क्या चाहते हो भाई, जीवन में सब इजी हो जाए, मतलब आसानी से सब तुम्हें हो जाए? ऐसा नहीं होता बेटा, जीवन में मुश्किलें आएंगी, मुश्किल होती है चीजें. ठीक है, सब चाहते हो सर इजी हो जाए. इजी हो जाए तो सब पढ़ लेंगे भाई. तुम फिर क्या तोप मारोगे? तुम्हें तो करना पड़ेगा ना बच्चों. ऐसा थोड़ी ना है कि भाई, है ना, इजी होते तो सब कर लेते. थोड़ा मुश्किल है तभी तो करना मुश्किल है इसको. ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो जीवन आसान हो जाए. आसान कुछ नहीं होता, स्ट्रगल करना पड़ता है. कैसा लगा मेरा मोटिवेशन? सुनीति जैन को मजा आ गया. वेरी गुड, आगे चलो. चले अब हम चलते अपने चोर डेटा में. ठीक है, अब आ जाओ भाई चोर डेटा. ठीक है, चोर डेटा नहीं है, कोर डेटा है. ठीक है, पीटेंगे तुम्हारी मैडम अगर तुमने चोर डेटा बोला तो. अब देखो, किसी को भी हम चोर डेटा क्यों कहेंगे? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एनिमल को हम चोर डेटा क्यों कहेंगे भाई? जब उस व्यक्ति के पास, ध्यान सुन लो बेटा, जब उस व्यक्ति के पास तीन चीजें होंगी तब उसको चोर डेटा कह देंगे. क्या तीन चीजें होती है? पहला होता है भाई, उसके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए. नोटोकॉर्ड क्या होता है भाई? मतलब एक बोन जैसा स्ट्रक्चर, बैकबोन, जैसा हमारे में बैकबोन है ना, ऐसा एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर जिसके आसपास हम एक बॉडी बना सके. ठीक है, एक तो वो होना चाहिए. दूसरा, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, मतलब बैक साइड पे क्या होना चाहिए? बैक साइड पे भाई एक नर्व कॉर्ड होने चाहिए, जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी हॉलो होनी चाहिए. समझ रहे हो? हॉलो मतलब आप अपना स्पाइनल कॉर्ड देखोगे ना बच्चों, ऐसा है आपका स्पाइनल कॉर्ड. आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छेद होता है, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड.
ठीक है, तो इसलिए आप भी चोर डेटा हो। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वैसे एक नोट एक नर्व कॉर्ड, नर्व मतलब बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है ये। ठीक है भाई, तीसरी चीज क्या होती है चोर डेटा कहलाने के लिए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, फेरिंजियल गिल स्लिट। बच्चे कहेंगे सर हमारी तो फेरिंग्स ही नहीं है, है ना, कितने बच्चों के डाउट है सर हमारे मतलब हमारे पास तो वो ही नहीं है, क्या कहते हैं गिल्स तो है ही नहीं, तो हम चोर डेटा कैसे हुए, चोर नहीं बेटा कोर डेटा। ठीक है, बताओ किसी को पता है कि हमारे पास तो गिल्स है नहीं, फिर हाउ कैन वी बिकम यू नो कोर डेटा। यस बताओ भाई, ये इसलिए बेटा क्योंकि हमारी जो एम्ब्रियो की स्टेज में होती है, एम्ब्रियो में जब हम एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं ना बेटा, तब हमारे अंदर गिल्स होती हैं, समझ रहे हो, जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हो तब आपकी छोटी छोटी गिल्स होती हैं, समझे मेरी बात, तो उसकी बात हो रही है, तो हमारी गिल्स होती है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, समझ आ गई। ठीक है भाई, और पोस्ट एनल टेल भी होती है, मतलब भाई उनकी पूंछ भी होनी चाहिए, सर हमारी तो पूंछ नहीं है, ठीक है बेटा, बट हमारा पूंछ का रेमिनेंट है, अगर आप हिप बोन के पास देखोगे ना एंड में एक छोटी सी पूंछ जैसी लगी होती है, वो आपको दिखती नहीं है, है ना, यहाँ पे आपके हिप बोन में जो वर्टिब्रा है ना एंड का वर्टिब्रा थोड़ी पूंछ की तरह होता है, तो ये होता है। ठीक है, अब चो देखो ये समझ आ गया, अगर चोर डेटा कहलाना चाहते हो तो तीन चीज क्या होती है, सबसे पहले नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट। पोस्ट एनल टेल पहले बोलते थे बट इसको भी आप फोर नंबर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलो सर बाकी क्या होता है भाई, अब ध्यान से देखो, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड समझ बेटा, नोटोकॉर्ड ऐसे कार्टिलेज की बनी होती है, हम लोगों में क्या होता है ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम्स में बदल जाता है। यस, क्या होता है जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम्स में बदल जाता है, समझ, देख रहे ना, पता ना वर्टिब्रल कॉलम आपके स्पाइनल कॉर्ड के आसपास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम ऐसे ऐसे लगा रहता है, है ना, वर्टिब्रल आपके वर्टिब्रे वर्टिब्रल कॉलम के ऐसे बीच में क्या है स्पाइनल कॉर्ड, समझ लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, मान लो ये मेरा पेन है ना स्पाइनल कॉर्ड है, इसको ऐसे लिपटा हुआ है हमारा वर्टिब्रल कॉलम ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो नाउ कॉर्डेटा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, मतलब इसके अंदर सीलोम है ना बच्चे, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गन, इसमें क्या है ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ बेटा, देखो फर्क देख लो, है ना, कोडेड और नॉन कोडेड, कोडेड और नॉन कोडेड से देख लो। ठीक है, सबसे पहले कोडेड में नोटोकॉर्ड है, ये तो हमें पता ही है, नाम में लिखा है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है भाई, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, मतलब जो सेंट्रल मेरा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक ही है, डॉर्सल साइड पे बैक साइड पे है और वो हॉलो है, मतलब उसके अंदर स्पेस है। ठीक है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। नॉन कोडेड देखे ना बेटा, जो आपने जो भी एनिमल्स वगैरह हो गए उनका क्या है भाई, उनके जो है नर्व वो वेंट्रल साइड पे यहां पे होती है, वेंट्रल साइड पे, समझ रहे हो, और वो डबल होती है और वो सॉलिड भी होती है, हॉलो नहीं है, सॉलिड, सॉलिड दो ऐसे जुड़ी हुई होती है, समझ रहे हो, इनकी कैसी होती है, देखो ऐसे ऐसे होती है, दो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ऐसे जुड़े हुए, कहां पे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यहां पे वेंट्रल साइड पे होते हैं। ठीक है, अब फैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फैरिंग्स में बाय गिल स्लिट्स होते हैं, इनके गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डॉर्सल, समझो जो हमारा दिल है वो वेंट्रल साइड पे है, इन लोगों का दिल डॉर्सल साइड पे होता है, हमारा दिल वेंट्रल साइड पे, इन लोगों का दिल डॉर्सल साइड पे। ठीक है भाई, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इनके भाई एनल टेल नहीं है, इनके पास टेनल टेल हो सकती है। ठीक है, परफेक्ट, इधर समझ आ गया बच्चों, चलो आगे चलते जीवन में ना। और देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार चीज बताता हूं, जो पूरा कोडेटा है ये भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड, बच्चे कहेंगे यार सर कितने डिवीजन करोगे अब देख लो, ठीक है बहुत ही आसान है, इजी से बता देता हूं। ठीक है, कोर डेटा बेटा तीन पार्ट है, एक है यूरो कोर डेटा, है ना बेटा,
यूरो कोडेटा, इसकी लार्वा की टेल में बस नोटोकॉड होता है। यूरो कोडेटा में क्या होता है भाई, इसकी लार्वा की टेल में ही बस नोटोकॉड होता है। फिर आया भाई हमारा सेफेलो कोडेटा, इसमें क्या होता है, इसमें भाई सर से पैर तक नोटोकॉड होता है, ठीक है। फिर तीसरा कैटेगरी है भाई वर्टिब्रेटा हमारा, इसमें क्या होता है सर, इसमें भाई जो नोटोकॉड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्क समझ आया, यूरोकोडेटा में क्या होता है भाई, सिर्फ लार्वा की टेल में नोटोकॉड होता है। सेफेलोकोडेटा सर से लेके टेल तक नोटोकॉड होता है। वर्टिब्रेटा इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है भाई हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर, अब देखो बेटा ये देखो, इन दोनों को ना हम प्रोकोडेटा प्रोटोकोडेटा प्रोटोक्रोडेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोकोडेट्स मतलब वर्टिब्रेट से पहले वाले, प्रोटो मतलब पहले वाले, कोडेट्स कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये दोनों भाई पानी में ही पाए जाते हैं, वो भी सॉल्ट वाटर मरीन वाटर, ठीक है बेटा। इसको यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, समझो मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कोडेट्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ भाई हाँ, बट ऑल द कोडेट्स जैसे कि यूरोकोडेटा सेफेलोकोडेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ आया। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल द कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, समझ गया भाई, जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो समझ आ गया, आगे चलते हैं। यस, तो जैसे मैंने बताया बेटा, समझ आ गया। यस, सेफिना कह रही है नेम्स आर लाइक चाइनीज, बेटा कोई बात नहीं, इजी है ना। यूरोकोडेट्स व्हेन यू सी बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा टेल, इन द यूरोकोडेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, इन द सेफेलो एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब लोअर एंड, ओके वेरी गुड। नोटोकॉर्ड डिसअपीयर्स इन द एडल्ट्स, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, मैंने बताया ना यूरोकोडेट बस लार्वा में होता है, ठीक है भाई। एडल्ट इज सेडेंटरी मोस्टली, सेडेंटरी मतलब, सेडेंटरी मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, है ना। अडल्ट इज यस, अडल्ट हैज फिन्स एंड स्विम्स, अडल्ट के पास भाई फिन्स है, वो स्विम भी करता है। नर्व कॉर्ड इज ओनली फाउंड इन द लार्वा, इट इज प्लेस्ड बाय डॉर्सल गैंग्लियन इन द अडल्ट। नर्व कॉर्ड भाई लार्वा में ही पाया जाता है, ठीक है। अडल्ट में क्या होता है, गैंग्लियन, बच्चे बताओ गैंग्लियन क्या होता है बेटा, गैंग्लियन होता है कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, पीछे हो जाता है, ठीक है। नर्व कॉर्ड इज वेल डेवलप्ड इन टू अडल्ट टू, जो नर्व कॉर्ड है भाई वो अडल्ट में भी इसमें होती है, ठीक है, समझो। ये मतलब ये थोड़ा कम डेवलप्ड है, ये थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, ठीक है भाई। एग्जांपल देख लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं बता रहा हूं बेटा, ये एग्जांपल्स नहीं करोगे ना अंडा मिलेगा अंडा, पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है। सैल्पा असीडिया डोलियोलम, एग्जाम में पूछेंगे भाई किसकी बस लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होता है, आपको बताना है सैल्पा एसिडिया डोलियो, ठीक है, डोलियोलम। अब सेफेलोकोडेटा में क्या आता है भाई, एम्फियोक्सिस ब्रैकियोस्टोमा और लैंसेट, ठीक है, एम्फियोक्सिस याद कर लो, ये क्या है भाई हमारे सेफेलोकोडेट बेटा, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट के कम एग्जांपल, इसको तो जरूर याद करना है बेटा, रटना नहीं होता, इसको समझ लो ना, आपको मैं कैसे बता रहा हूं, धीरे धीरे कनेक्ट करके बता रहा हूं ना। मैंने क्या बताया भाई, मैंने बताया कोडेट्स जो भी होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए, नर्व कॉर्ड होना चाहिए, है ना, फैरिंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए, पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए, ये चार चीजें मैंने बताई, है ना। फिर मैंने बताया भाई कोडेट में यूरो कोडेट्स हैं, सेफेलो कोडेट्स हैं, यूरो कोडेट्स मैंने बताया भाई इनकी लार्वा की टेल में बस नोटोकॉर्ड होता है, सेफेलोकोडेट्स में बताया मैंने सर से पैर तक भाई इनके पास वो होते हैं, क्या कहते हैं, इनके पास अ नोटोकॉर्ड होता है, बस खत्म, और एग्जांपल याद कर लो, ठीक है। अब आती है हमारी, ये तो हमने देख लिया, ठीक है बेटा, हाँ है ना, ये क्या है सैल्पा डोलियोलियम, है ना, एंड एसिडिया, और ये डायग्राम कट गया,
ये बेसिकली हमारा एम्फियोक्सिस था। ठीक है, अब आ जाओ, अब आते हैं भाई वर्टिब्रेटा में। ठीक है, बहुत ही मजेदार, हमें पता है वर्टिब्रेटा कैसा है भाई। इसमें क्या हुआ है, नोटोकॉर्ड है जो कन्वर्ट हो गया है हमारे किस चीज में, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। नाउ इट पोजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड ही होता है बट ये कन्वर्ट हो जाता है, इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो नोटोकॉर्ड है उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ गया। Have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambered. जैसे कि fishes में 2 chambered heart होता है, reptiles और amphibians में 3 chambered heart होता है, humans and birds में 4 chambered heart. तो heart ventral होता है और chambers होते हैं। Kidney for excretion and osmoregulation. है ना बेटा, kidney help करती है excretion और osmoregulation, मतलब water और ion balance बनाने में। Paired appendages which may be fins or limbs. इसके पास क्या है, पेयर्ड गाइस फिन्स है या फिर लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हाथ। ठीक है, तो बेसिक है ये तो। बेटा देखो, जो पूरे वर्टिब्रेट है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है यस एग्नेथा, है ना बेटा, जॉलेस एंड ग्नेथोस्टोमेटा विद जॉ। ठीक है, सॉरी, एग्नेथा एंड ग्नेथा। ठीक है बेटा, यस विल यू टीच इन तमिल चैनल, यस स्टेफिन, आई विल डेफिनेटली टीच इन तमिल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये है जॉलस। ठीक है, देखो हमारे को ये नो वर्टिब्रेट है ना, एक है जॉलस और दूसरे है जॉ वाले। ठीक है, ये जो साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है, ये हमारे जॉलस है। ठीक है, दीज आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ये देख रहे हो ऐसे होता है, ये फिशेस के ऊपर पैरासाइट, एक्टो मतलब बाहर से पैरासाइट की तरह लग चिपक जाते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। बेटा ये एग्जाम में आया था एक बार कि 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होते हैं, भाई ये होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमा हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, इनका जॉलेस है ये, है ना बेटा। ना Their body is devoid of scales and paired fins. Scales क्या होते हैं बेटा, अगर आप देखोगे ना fishes के ऊपर थोड़ा सा ना एक nail की तरह substance होता है, अगर आप कभी fish खाए ना आपने देखा होगा, तो वो ऐसे ऐसे उसको scratch करते हैं, fish जब खाने जाते हैं ना तो उसको scratch करते हैं, तो उसके ऊपर होते ना उसको scales कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है भाई, इनमें scales नहीं होते, ना ही fins, paired fins नहीं है। Cranium and vertebral column are cartilaginous, मतलब इनका जो cranium है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। सर्कुलेशन भाई, इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेशन है, क्लोज्ड सर्कुलेशन मतलब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रही है। ठीक है भाई, ना दे आर मरीन बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, मतलब ये मरीन है, सॉल्ट वाटर में रहते हैं बट ये अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, समझ बेटा। ये कैसे हैं, ये सॉल्टी वाटर में होते हैं बट अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। After spawning within a few days, they die. ठीक है, अंडे देने के कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं बेचारे। Their larva after metamorphosis return to the ocean. मतलब इनके अंडे है ना, लार्वा जो है metamorphosis मतलब जब ये पूरे डेवलप हो जाते हैं। बेटा देखो, caterpillar जो होती है उससे butterfly बनती है, metamorphosis होती है बेटा major structural changes in the body. अब why का पता नहीं बेटा, ये ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो लार्वा है बेटा वो जब अडल्ट में बन जाता है फिर वो वापस चले जाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजिन एंड हैगफिश, याद करो बेटा डायग्राम, सॉरी एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, समझ आ गया, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ गया, जाओ है ना बेटा जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजिन। अब देखते हैं भाई फिशेस, बेटा फिशेस ना दो तरह की होती है, पहले इसको देखा था फिर एग्जांपल देखेंगे। फिशेस होती है बेटा दो तरह की, कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्टिच थाइस। बताइए सर, कॉन्ड्रिच थाइस मतलब कार्टिलेजनस फिश जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हो, दूसरा है भाई ऑस्टिच थाइस जिनका स्केलेटन बोन्स का बना हो, कैल्शियम वाले बोन्स का। अब देखो और कॉन्ड्रिच थाइस और इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। Chondrich thighs are marine animals with streamlined body and cartilaginous endoskeleton. इनकी streamlined body है और cartilage की skeleton अंदर वाली।
इनका जो माउथ है वो वेंट्रल वेंट्रल साइड पे है, माउथ यहां पे नीचे की तरफ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड जो इनकी लाइफ में हमेशा रहता है। गिल सिल्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, है ना, गिल की कवरिंग, इनकी गिल की कवरिंग नहीं है, ठीक है, इनके पास ओपरकुलम नहीं है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लकॉइड स्केल्स, ठीक है बेटा, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं ना जो मछली के ऊपर वो होते हैं, क्या कहते हैं, नेल जैसा सब्सटेंस होता है, उसको निकालना पड़ता है बिफोर ईटिंग, तो उसको स्केल्स कहते हैं, इनके पास है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब इनके जो टीथ हैं वो स्केल्स ही मॉडिफाइड हैं विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, समझो ऐसे, मतलब ये मान लो फिश है हमारी, तो ये उसके दांत अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, समझ लो, आई नो बहुत सड़ी सी फिश है, बट आई होप यू आर गेटिंग द हुक, परफेक्ट। Their jaws are very powerful. These animals are predaceous. Predaceous मतलब दूसरे को खा जाते हैं। Due to the absence of air bladder, they have to swim continuously. इनके पास air bladder नहीं होता, तो इनको बेचारे को जिंदगी भर स्विम करना है ताकि सिंक ना करें। Heart is two chambered, है ना बेटा? And examples, they have, you know, electric organs. Torpedo के पास electric organ है। Shark भी condrocytes में आती है ना बेटा? Some possess poison sting. ट्राइगोन वो पॉइजन वाले कार्टून में देखो ना, पॉइजन वाली वो फिश वो यही है। दे आर कोल्ड ब्लडेड पॉइकियोथर्मस एनिमल्स, दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कैसे भाई, वो कोल्ड ब्लडेड है ना, और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बेयर क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स कहते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनकी मीटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। पेल्विक मतलब नीचे वाली फिन्स में क्लैस्पर्स होते हैं जो कि इनकी मेटिंग में हेल्प करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आएगा भाई। क्लैस्पर्स किस में होते हैं? कॉन्ड्रिच थाइस में क्लैस्पर्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर वीवीपैरस, वीवीपैरस मतलब ये गिव बर्थ टू द यंग वंस, वीवीपैरस मींस दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। एग्जांपल स्कोलियोडॉन प्रिस्टिस कार्चेरोडॉन ट्राइगॉन, दीज आर गाइज एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट कॉन्ड्रिस्थाइस। मैंने बताया था ना इसमें बेटा हमारी शार्क भी आ जाती है, हाँ ठीक है ना। अब आते हैं ऑस्टिच थाइस, जैसे मैंने बताया था बेटा, दिस इज बोथ मरीन एंड फ्रेश वॉटर बोनी एंडोस्केलेटन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वाली इनकी स्केलेटन है। बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड, इनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइंड है। माउथ इज टर्मिनल, देखो बेटा जो शार्क वगैरह है उनका माउथ वेंट्रल साइड पे है, इनका माउथ टर्मिनल है, समझे, टर्मिनल मतलब यहां पे माउथ है, उनका माउथ यहां पे नीचे है, समझो। अब दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड विद ओपरकुलम, इनके जो गिल्स है वो कवर्ड है, कॉन्ड्रिसाइज के अनकवर्ड है। स्किन इज कवर्ड विद अ साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल, ठीक है बेटा, साइक्लॉइड स्केल्स ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, मेनली बेटा ये देखो बस शेप्स है। स्केल्स का मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है, साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स हैं, हमारे कॉन्ट्रिस्टाइज में प्लकॉइड स्केल्स है, बस याद रखना, ठीक है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, कॉन्ट्रिस्टाइज में भैया एयर ब्लैडर नहीं था, कॉन्ट्रिस्टाइज में एयर ब्लैडर नहीं था, यहाँ पे ऑस्टिस्टाइज में एयर ब्लैडर है, ठीक है, जो कि इनको बॉयंट रखता है, अगर ये स्विम ना करे तब भी चलेगा, बेचारी हमारी शार्क तो डूब जाएगी स्विम नहीं करेगी तो, ठीक है चलो अब आ जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेटा हिप्पोकैम्पस कैटला, ये सब क्या है, हमारी बोनी फिशेस है, है ना, इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश, ये तो हमने देख लिया है ना। अब आओ नाउ एग्जांपल गाइस, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश हिप्पोकैम्पस, ये मरीन है। फ्रेश वाटर फिश देखोगे लबियो कैटला क्लेरियास, ये सब फ्रेश वाटर है। अक्वेरियम में रखने वाली बेटा, है ना, टेरोफाइलम एंजल फिश, ये सब क्या है भाई, ये सब हमारी ऑस्टिच थाइस है, ठीक है चलो, ठीक है बेटा ध्यान से देख लो डिफरेंस देख लो। माउथ इज वेंट्रल, माउथ इज एंटीरियर, है ना, स्केल्स आर प्लकॉइड, यहां पे गनॉइड साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स हैं। ओपरकुलम इज एब्सेंट एक्सेप्ट काइमेरा, है ना, ओपरकुलम मतलब कवरिंग ऑफ द गिल्स, यहां पे प्रेजेंट है, है ना बेटा। कॉर्डल फिन इज हेट्रोसर्कल एसिमेट्रिकल एंड टू डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन इज होमोसर्कल सिमेट्रिकल एंड सिंगल डॉर्सल फिन, मतलब क्या बेटा, देखो कॉर्डल मतलब जो एंड वाली फिन होती है, ठीक है, ये देखो ये जो एंड की फिन है एक बड़ी है एक छोटी है,
इसकी दोनों ही सेम है, समझ रहे हो, जो एंड वाली फिश है मछली की, ये मछली है ना, मान लो बेटा मछली की अगर दोनों फिन्स इक्वल है तो वो होगी होमोसर्कल, अगर मछली की एक बड़ी है और जो दूसरी छोटी है इसको कहते हैं हम हेट्रो सर्कल, और इसके पास दो डॉर्सल फिन है, इसके पास एक ही डॉर्सल, डॉर्सल मतलब ये पीछे की साइड पे एक ही फिन है इसकी, उसके दो फिन है बस, याद कर लेना बेटा, इसको थोड़ा सा लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसका यू नो पीडीएफ इसके डेस्कटॉप बॉक्स में डलवा दूंगा नाउ, ठीक है बेटा। क्लोएका इज प्रेजेंट ओवर हियर इन कॉन्ट्रिस्टाइस, ये एबसेंट होता है हमारे ऑस्टिच थाइस में। क्लोएका बेटा एक कॉमन स्पेस होता है जहां पे गैमीट्स वगैरह आते हैं, और कॉमन एक्सक्रीटरी भी वहीं से, एक्सक्रीशन वगैरह भी वहीं से होता है, समझ रहे हो, उसको क्लोएका कहते हैं। तो कॉन्ट्रिस्टाइस में प्रेजेंट है, ऑस्टिच में एबसेंट है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, इसका कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है, इसका भाई भाई मेरा पेन कहाँ गया, यस इसका कंप्लीटली बोन का बना हुआ, समझ बेटा, क्लोएका समझ आया ना बेटा, एक कॉमन चेंबर है जो एक्सक्रीटरी के लिए भी, गैमेट्स भी यहीं पे रिलीज होते हैं, है ना बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट भी सारे यहीं पे इसी चेंबर में रिलीज होते हैं, ठीक है। ब्लैडर इसमें एब्सेंट है, ब्लैडर इसमें प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर, ये यूरियोटेलिक है, ये एमोनोटेलिक है, ये ध्यान रखो, ये यूरिया एक्सक्रीट करता है, ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, ये वीवी पैरस है, गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये ओवी पैरस है, गिव ले एग, दे ले एग्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड की फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ओवर हियर, है ना, फर्टिलाइजेशन वहां पे इंटरनल है, यहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अब आ जाओ बेटा फिशेस के बाद, अब एम्फीबियंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, एम्फीबियन रेप्टाइल और मैमल्स एंड एव्स करके खत्म कर देंगे इसको। नाउ एम्फीबियन बेटा कैन लिव अक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, हमें पता ही है एम्फीबियन बेटा दोनों जगह पे पानी में और लैंड में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, है ना बेटा, फ्रॉग आता है एम्फीबियन, उसकी बॉडी में ऊपर के दो पैर, नीचे के दो पैर, हेड ट्रंक भी होता है, ठीक है, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, है ना, कुछ में टेल हो सकता है, नाउ सैलमेंडर में होता है। Amphibian skin is moist without scale. Their eyes have eyelid. उनकी skin moist होती है, eyes में eyelid होते हैं. Tympanum, external ear are present. ठीक है, tympanum क्या है? Ear. है ना? Now, elementary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called as cloaca. समझ रहे हो? Cloaca क्या भाई? यहाँ पे digestive system, urinary system और reproductive system एक ही जगह पे open होता है. उसको कहते हैं cloaca, which opens to the exterior. ये बाहर फेंक देती है जो भी चीजें होती है. समझ लो, आपको पता ही है ना बेटा एम्फीबियन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो इनका जो एग है, स्पर्म है, ये भी बाहर को फेंक देते हैं, लाइक हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं, डिफिकेट करते हैं, उसी तरह ये स्पर्म को भी रिलीज कर देते हैं बाहर, ठीक है भाई आगे चलो। है ना बेटा, रेस्पिरेशन इज बाय गिल, लंग्स एंड थ्रू स्किन, ये भाई गिल से भी कर सकते हैं, लंग्स से भी कर सकते हैं, स्किन से भी कर सकते हैं। हार्ट हमारा तीन चेंबर का हमने देखा था, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं फिश, बेटा याद रखना फिश, रेप्टाइल और एम्फीबियन ये सब कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मतलब इनकी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, बॉडी का जो बाहर का टेम्परेचर है वो इनका टेम्परेचर जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मैंने बताया, मेल और फीमेल अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं पानी में, है ना बेटा, वहां पे हो जाता है। नाउ दे आर ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओवीपैरस मींस दे रिलीज एग, और जो इनकी डेवलपमेंट है भाई वो थोड़ी इनडायरेक्ट है, समझ गए मेरी बात को, परफेक्ट है ना बच्चे। अब एग्जांपल, बूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इक्थियोफिस, ठीक है बेटा, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है एम्फीबिया के, याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है चलो आगे आ जाओ। रेप्टाइल्स, रेप्टीलिया, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है बेटा, ये क्या है भाई, क्रीपर, क्रीपिंग क्रॉलर्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं हम इनको, क्रीपर, क्रीपिंग क्रॉलर्स। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बॉडी इज कवर्ड बाय कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स, है ना बेटा, इनकी बॉडी देखोगे ना बहुत ही ड्राई ड्राई होती है, उसको हम कॉर्नी स्किन कहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग कॉल्ड एज टिम्पैनम,
ठीक है, they do not have external ear opening tympanum that represents ear. Limb, when present I have, they have two pair of limbs. ठीक है, इनमें tympanum नहीं होता, है ना भाई, दो pair of limbs होते हैं. आगे आ जाओ, example बेटा देखो, चिलोन है ना, ये हमारा टर्टल हो गया, सांप हो गया, नाजा नाजा, कैमिलियन हो गया है ना, क्रोकोडिलस हो गया, चिलोन हो गया, नाजा, ये सब क्या है भाई, ये सब रेप्टाइल है बेटा. एग्जाम्पल याद करना, बच्चों को समझ नहीं आता, वो पूछेंगे चिलोम, चिलोन के कितने, चिलोम कह रहा हूं, चिलोन के कितने चेंबर हार्ट होता है, तो आपको बताना आपको भाई इसका 3 चेंबर हार्ट होता है. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है. आगे आ जाओ, नाउ चिलोन हो गया टर्टल, टेस्टुडो हो गया टॉर्टॉइस, कैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर है ना बेटा, पॉइजनस स्नेक नाजा है ना बेटा, बंगालस क्रेट और वाइपेरा वाइपर, ये सब क्या है हमारे रेप्टाइल्स हैं. हार्ट इज यूजुअली 3 चेंबर्ड बट 4 चेंबर्ड इन क्रोकोडाइल. ठीक है बेटा, इनका जो दिल होता है वो जनरली 3 चेंबर्ड होता है, बट रेप्टाइल एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल हैज अ 4 चेंबर्ड हार्ट. ठीक है, रेप्टाइल्स आर पोइकियोथर्मल्स, मतलब भाई ये कैसे हैं, ये कोल्ड ब्लडेड है. नाउ स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल एंड स्किन कास्ट, मतलब वो अपनी स्किन को निकाल देते कई बार. ठीक है भाई, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दे आर एग लेइंग, और जो इनकी डेवलपमेंट है भाई वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब दे जस्ट गिव बर्थ टू द यस गाइस लिविंग यंग वंस, समझो, एग में से डायरेक्ट यंग वन, लार्वा नहीं बनता इनमें, एम्फीबियंस में लार्वा बनता है. अब बर्ड्स आ जाओ बेटा, प्रेजेंस ऑफ फेदर इज द मोस्ट है ना, ऑल ऑफ देम कैन यू नो लाइक यू नो दे हैव फेदर्स है ना, मोस्ट ऑफ देम हैव फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई. ओके, ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता, हमारा यू नो पेंगुइन भी फ्लाई नहीं कर सकता है ना बेटा. दे पोसेस बीक, उनकी बीक होती है. फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग विंग्स, ये बहुत ईजी लगता है मुझे क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं. द हाइंड लिम्स, ठीक है, हाइंड मतलब नीचे वाले लिम्स, have scales and are modified for walking, swimming and clasping the tree branch. जो नीचे वाले पैर हैं, वहाँ पे scales होते हैं, वो क्या करते हैं, उड़ने में, capture करने में इस चीज को use कर सकते हैं. Then, skin is dry without glands except oil glands at the base of the tail. इनके base of the tail पे एक oil gland होता है. ठीक है बेटा, पिस्ताकुला बेटा याद कर लो. ठीक है, example देख लो, पावो क्या है हमारा, peacock, पिस्ताकुला है हमारा भाई पैरेट है ना, नियोफ्रॉन स्ट्रूथियो बेटा, ये देखो ये पूछेंगे आपको नियोफ्रॉन, आपको लगेगा कि भाई ये तो रेप्टाइल का, नहीं रेप्टाइल का नहीं है भाई, ये बर्ड्स का है. ठीक है, स्ट्रूथियो ये भी बर्ड्स का है, तो याद कर लेना इस तरह से. आगे आ जाओ बेटा, इनकी एंडोस्केलेटन ऑसिफाइड बट न्यूमैटिक बोन्स होती है, इनके जो बोन्स होते हैं बेटा उनमें एयर स्पेसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स. न्यूमैटिक बोन्स मतलब ऐसे बोन्स जिनमें एयर स्पेसेस हो. ठीक है, फिर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चेंबर द क्रॉप एंड द गिजार्ड, ये इस बार ऐसा समझ रहे, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है भाई, एक्स्ट्रा चेंबर है क्रॉप और गिजार्ड. नाउ हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेंबर, हार्ट में 4 चेंबर है. वार्म ब्लडेड होमोइओथर्मस, मतलब ये अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं बेटा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, तो ये भी 37 मतलब कुछ अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इनका टेम्परेचर बदलता नहीं है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है, आ जाओ फाइनली बेटा मैमल्स, ये देखो आप ना मैमल्स बर्ड्स वगैरह आप रिलेट करके पढ़ लेना. फाउंड इन वैरायटी, हर जगह पाए जाते हैं भाई, पोलर जगह पे, फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, सब जगह. सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, भाई कुछ तो उड़ भी सकते हैं, कुछ बैट उड़ने वाले मैमल्स हैं है ना, पानी में भी रहते हैं भाई है ना बच्चे, हमारा जो वेल हो गई. प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड है ना, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं. दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स अडैप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, कुछ भी कर सकते हैं 2 पैर से. स्किन में क्या होता है भाई, हेयर होता है, कोई भी मैमल हो उसके स्किन पे ना हेयर होते हैं, हाथी के हेयर देखना ठीक है कभी. एक्सटर्नल ईयर्स आर हैव पिन्ना, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स में बाहर पिन्ना की तरह होता है बस बेटा. देखो ऑर्निथोरिंकस एंड एकिडना, दीज आर द 2 मैमल्स विच आर एग लेइंग मैमल्स. ठीक है बेटा याद रखना, ऑर्निथोरिंकस एंड एकिडना. ठीक है,
ये दोनों क्या है भाई, एग लेइंग मैमल्स, इनमें बहुत सवाल आते हैं। बाकी सारे के सारे मैमल्स जो है वीवी पैरस है, ये दो मैमल्स ओवी पैरस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, दे आर होमियोथर्मस, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टस इज इंटरनल, दे आर वीवी पैरस विद अ फ्यू एक्सेप्शन। वीवी पैरस एक्सेप्शन क्या है भाई, एक्सेप्शन है ऑर्निथोरिंकस एंड एकिडना, है ना, इसको डक बिल्ड प्लैटिपस भी कहते हैं, डक बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है बेटा, इट्स मी, समझ आया, थैंक यू, परफेक्ट। ठीक है बेटा, पेट्रोपस देखोगे बैट, ये याद कर लेना, पेट्रोपस बैट है। बेलेनोपेट्रा, बेलेनोपटेरा, बेलेनोपटेरा क्या है हमारा, वेल है। ठीक है बच्चे, इसको याद कर लेना थोड़ा सा, कूल, वी आर गुड, यस, परफेक्ट। ठीक है बेटा, देखो ये कॉमन नेम देख लेना। ठीक है बेटा, ओवी पैरस ऑर्निथोरिंकस मैंने बताया था, एग लेइंग। वीवी पैरस मार्कोपस कैंगरू, टेरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स, है ना बच्चे, कमीलियस कैमल, मकाका मंकी, रटूस रैट, कैनिस डॉग, फिलिस कैट, है ना बेटा, यस, एलिफेस इकस हॉर्स है, डॉल्फिनस तो कर लोगे, बेलेनोप्टेरा में होता है ब्लू फेस, पैंथरा टाइगर एंड पैंथरा लियो, ये तो कर लोगे। ठीक है, जो अलग है उसको याद कर लेना बेटा। देखो ये पटेरोपस है ना, फ्लाइंग फॉक्स, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमिलियस याद कर लेना, है ना, रटूस कैनिस, है ना, ये आप कंफ्यूज कर जाओगे, इकुस क्या है समझ नहीं आता कई बार। ठीक है, और इससे सवाल आता ही आता है बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम में मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज इसके एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, पता है एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपको कहेंगे रिलेट करो। ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। तो बेटा होमवर्क क्वेश्चन है ये, होमवर्क क्वेश्चन कहां गया भाई, क्वेश्चन गायब हो गया बच्चों। अरे यार ये क्या हुआ, चलो बताओ, मैं देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेट्स, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेट्स, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, बाकी बच्चों ये वीडियो के नीचे देखोगे एक वीक क्विज है। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, और नीचे अगर आप आओगे यू कैन चेक, वेदांतु में बेटा 2 ईयर के कोर्सेज है इंग्लिश एंड हिंदी में, आप क्लिक कर सकते हो। 2 साल का पूरा नीट का कोर्स है 14,850 में, है ना, इसमें आपको वेदांतु का स्टडी मटेरियल मिलेगा, वेदांतु की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट, नोट्स मिलेंगे, है ना बच्चे, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, है ना। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे लाइव पढ़ना है, तो आपके लिए प्रो लाइट एंड प्रो क्लासिक ये लाइव बैचेस हैं। ठीक है बच्चे, इसमें टीचर आपको लाइव पढ़ाएंगे, इसमें रिकॉर्डेड है, इसलिए थोड़ी इसकी कॉस्ट कम है, इन दोनों की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। बाकी फीचर्स आप देखोगे, है ना बेटा, जो तत्वा मटेरियल है वेदांतु का स्टडी मटेरियल तत्वा, उसकी आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है प्रो क्लासिक में, इसमें इन दोनों में आपको पीडीएफ मिलता है ना। तत्वा का डिस्कशन भी होता है, ठीक है बच्चे, इन दोनों में तत्वा का डिस्कशन होता है एंड पीटीएम भी होती है। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, इट इज वन इन इट्स काइंड ऑफ कोर्स। अगर आपको लगता है कि सर मेरी इकोनॉमिक कंडीशन कम है, वीक है, तो आप AI लाइव कर लो, ट्रस्ट मी इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इंप्रूव योर स्कोर्स। ठीक है, जो भी बच्चे सीरियस हैं उनको तो कर लेना चाहिए। ठीक है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा कि भाई आपको कितना आता है, आपको और कितने की जरूरत है। ठीक है, एंड गाइज इस पे आप कोड यूज कर सकते हो राज प्रो, मेरा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। सो गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड यस डू लेट मी नो द आंसर फॉर द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और मुझे एक और होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, बताओ विच फाइलम हैज 6 to 15 यू नो पेयर्ड गिल स्लिट्स, 6 to 15 सब फाइलम किसके किसमें, अच्छा चलो वो भी बताओ, इजी देता हूं, चलो What are the 3 subphylums of Chordata? What are the 3 subphylums of Chordata? Tell us the, give us an example. ठीक है, example के साथ जाना, 3 subphylum of Chordata. ठीक है, और उनमें difference भी बता सकते हो, बता देना। ठीक है बच्चों, चलो thank you for joining, lots of love, है ना, ये chapter खत्म हो गया, third वाला session मैं कर दूंगा अगली बार। ठीक है, have a great day and bye bye.